क्या जानकारी, अभी क्या कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं। 10:30 बजे का वक्त अमित शाह के पहुंचने का भी था, वो पहुंचे क्या अभी तक? देखिए अर्पिता, अमित शाह तो पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट, जहां पर कि योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं जहां अमित शाह को रिसीव करेंगे। लेकिन हम इस वक्त मंदिर में हैं और मंदिर में योगी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री को इन लोगों ने अभी अपनी शुभकामनाएं दी हैं, उसमें कई और इस वक्त देखिए सोनम किन्नर हैं हमारे साथ, राजू दास हैं और साथ साथ परमहंस हैं, ये सब लोग पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ को शुभकामनाएं देने। इस वक्त ये लोग गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। हम तो योगी जी को लाएंगे तुम देखते रहियो, हम तो योगी जी को लाएंगे तुम देखते रहियो। सजा दो फूलों सा सेहरा अवध में राम आए हैं, सजा दो फूलों सा सेहरा अवध में आप देख रही हैं अर्पिता कि ये मंदिर का दृश्य है और मुख्यमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन सब लोग हैं, उनसे थोड़े थोड़े सवाल लेते हैं। आप लोग सब यहाँ आए, राजू दास जी आप वहाँ से आए हैं, पूरे देश को शुभकामना। देखिए अभी सोनन किन्नर जी और जगत गुरु परमहंसाचार्य ने कहा कि सजा दो फूल सा चेहरा अवध में राम आए, कहने का मतलब अभिप्राय ये है कि साधु संत हिंदू जनमानस और पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जाति पाति पंथ मजहब को बुलाकर हर व्यक्ति सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ, जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो काम कर रहे हैं बिना किसी भी रोक टोक के, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखने को मिलेगा। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी विधिवत पूजन हवन पूजन करने के बाद नामांकन कर गए हैं और हम लोग भी उस कार्यक्रम में जा रहे हैं और हम लोग के अंदर अपार उत्साह। चलिए, तो ये सारे साधु संत आए हैं, आप लोग भी आई थी, उनको बधाई देने। जी हम लोग आए हैं, महाराज जी ने हमें बहुत मतलब हमने प्रणाम किए, जो गुरु जी के जो हैं अवैधनाथ महाराज जी के हम लोग ने पूजा पाठ किए, हमारे परमहंस जी महाराज जी, राजू दास जी हमारे हनुमानगढ़ लोगों को नहीं। इस दोबारा में महाराज जी ऐसा कोई टक्कर में नहीं है, और इस बार महाराज जी चुनाव नहीं लड़े, एक एक कार्यकर्ता लड़ा एक and it is very important that how Amit Shah will also be coming here and in just a matter of time he will just leave from the outside and there will be you know a lot of welcome, a lot of you know welcome for him and at the same time for CM Yogi Adityanath who is also marching. चलिए हमारे साथ परमहंस जी, आप गदा लेकर घूम रहे हैं। देखिए जैसा कि आदरणीय श्री अमित शाह जी ने कहा है कि एक तरफ बजरंग बली एक तरफ बाहुबली, तो विपक्ष जो है तो जातिवाद परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला, गुंडागर्दी नफरत की राजनीति करने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद की स्थापना किया है। आज योगी जी का नामांकन है तो ये हनुमान जी का जो है ये गदा संकट मोचन की है, और विपक्ष को हम लोग यही एक संदेश देंगे कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जो जय श्री राम से नफरत करते हैं, जो देश प्रेमी से नफरत करते हैं, ठीक है आप रहिए जरा, और दिख रहा है कि जो साधु संत हैं वो कितने उत्साहित हैं।